तो चलिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा हैज अ रेंज कैपिटल आर, इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड एट सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रेंज विल बी, हमें बताना है कि रेंज कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं, तो रेंज देखनी हमको, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी होती है। वो कह रहे हैं कि थीटा को सेम रखना है, बट इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, स्पीड डबल हो गई एक्चुअली में, डायरेक्शन सेम है, तो आर प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। यहां पर हो गया हमारा आर प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हो यू स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चे बिल्कुल सही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इक्वल्स टू यू वन डिवाइडेड बाय यू टू होल स्क्वायर। ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, आर वन की वैल्यू बोले तो आर है, आर टू अपने को पता करना है, पता ही नहीं है अभी तक कितनी है। नाउ यू वन इक्वल्स टू यू ले लो और यू टू को टू यू ले लो, स्क्वायर कर दो, यू से यू कैंसिल हो जाएगा। देखो थीटा और जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोल रहे हैं थीटा चेंज नहीं कर रहा, तो जी तो चेंज हो गई नहीं, तो आर आर टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू टू द फोर, फोर आर मतलब ये इधर चला जाएगा, तो टू स्क्वायर उधर चला गया, यानी आर टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी फोर आर। दिस विल बी आर आंसर। पूछिए भाई, किसी को कुछ पूछना है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने छोटा सा फॉर्मूला लगाया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी एंड आंसर, सिंपल था। आगे बढ़े, डन? यस सर। ठीक है, डन सर।